आपको नोट्स मिले हुए हैं, तो यहाँ पे सर मेथड डेट लिख लेंगे जो आज करने जा रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सर डेट लिख लेना प्लीज, डेट हाँ 30th। चार्जिंग बाय इंडक्शन, सो यू आर म्यूटेड। सर आप बोलो बेटा। सर प्लीज एक्सप्लेन रेस्ट मार्क। क्या बोला आपने? रेस्ट मार्क। ये चद्दर पीछे रख देता है। रेस्ट मास्क बेटा, जो पार्टिकल जब रेस्ट पे होता है उसके मास्क को रेस्ट मास्क बोल देते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था थोड़ा सा कि दैट इज, ये सारी इंफॉर्मेशन है बच्चों, इसको आपको अगर सोचोगे ना कि आपको और पूरा पता चलेगा। आइंस्टाइन की बात, आइंस्टाइन आपको पता सबसे फेमस है और टिपिकल बातें हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ना कि वो मॉडर्न फिजिक्स सब कुछ वो वाला। तो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ना आपने, कि जब कोई पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो उसके मास को रेस्ट मास बोल देते हैं, जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। दूसरी बात, एक बच्चे ने और बोला कि दैट इज क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर वो अपना 10^23 एटम, ये अगेन नॉलेज है, ये मूल कंसेप्ट आपको पता हो तो वहां से एक नॉलेज है कि एक सॉलिड के अंदर कि 1 cm³ में 10^23 दैट इज होते हैं एटम्स। तो इसे आपने मतलब अब उसका प्रूफ नहीं बनाएंगे हम बैठ के, दीज आर फैक्ट्स, फैक्चुअल नॉलेज जो आपको बतानी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, देखिए बच्चों हमारी बात चल रही थी, अगर हम मान लो ये कोई, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई मेटल, ये मेटल है, तो कल का अगर ध्यान होगा आपको, मैं सोडियम की बात करूंगा, तो इसके बीच में हमारे पास फिक्स्ड आयंस और यहाँ पे दीज आर, ये जो मैं यहाँ पे नेगेटिव बना देता हूँ, तो एक सेकंड देना मुझे, मैं ना फोन पे नोटिफिकेशन शायद ऑन है तो वो ना, गिव मी वन सेकंड। मेटल में यहाँ पे दीज आर फिक्स्ड आयंस ऑफ मेटल, कल का अगर आपको याद हो, से सोडियम और यहां पे ये जो नेगेटिव वाले हैं ये कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और हर एक सोडियम एक फ्री इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता था, आपको कल का ध्यान है। तो अगर मैं लेकिन ओवरऑल देखूं इस पे किसी एक को, इसमें नेट चार्ज कितना आ रहा है? जीरो। लेकिन ध्यान हो कि डेटा जीरो है। अब हमने क्या किया, बॉडी के नजदीक एक कोई चार्ज बॉडी दिया है और मान लीजिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब क्या होगा कि ये जो फिक्स आयंस है सॉलिड है नहीं है, ये तो मूव नहीं कर सकते। अच्छा ये पिक्चर में बच्चों देखो, बड़ी सिंबॉलिक पिक्चर होती है, इतने एटम्स या इतने आयंस थोड़ा होते हैं। अब कल की बात है 10^23, बहुत बड़ी फिगर है। तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन यहां पे जो थे, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इनको रिपल्शन मिलेगी,
ये उधर भागेंगे. तो ऐसा होने से यू कैन सी कि इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे होने शुरू हो गए और आप ओवरऑल आप कह सकते हो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया. अभी इधर इकट्ठे हुए हैं इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं थोड़े बहुत और दे कीप ऑन मूविंग. तो व्हाट हैज हैपेंड, इधर वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो यू कैन से निकट हो गए. उनका जो उनको शील्ड कर रहा था कौन शील्ड कर रहा था, नेगेटिव चार्ज. ये पॉजिटिव और नेगेटिव अभी तक यहाँ पे लोकल चार्ज जीरो था. लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो इस पिक्चर को ना बड़ा एग्जैक्टली लेना होता, रफ आइडिया दिया जा रहा है लेकिन है नहीं फिजिक्स है. तो यहाँ पे वैसे चार्ज जीरो था लेकिन अब इस रीजन में कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज. और मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ एक्सेस नेगेटिव चार्ज यहाँ वाला यहाँ चला गया. तो इस रीजन में कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज. तो मैं आप पिक्चर थोड़ी सी सिंपल बनाता हूं ताकि आपको जो अब हम अंदर की पिक्चर नहीं बनाएंगे. इसके अंदर क्या है, हम क्या करेंगे, ये एक चार्जिंग बॉडी है जिसका नाम हमने रखा चार्जिंग बॉडी और दिस इज अनचार्ज जिसपे कोई चार्ज नहीं था. लेकिन आपने देखा इधर अगर नेगेटिव रखा तो इधर पॉजिटिव है और दूर वाले पे नेगेटिव है. तो इसका मतलब ये हम रिप्रेजेंटेशन है कि नियर एंड पे पॉजिटिव आ गया ऑपोजिट और फार्दर एंड पे नेगेटिव आ गया. तो दैट इज दीज चार्जेस, ये चार्जिंग बॉडी है. ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इंग्लिश भी हमें आनी चाहिए, नहीं आती तो सीखो इसपे उसे डाउट नहीं मानना. दीज चार्जेस आर कॉल्ड व्हाट, इंड्यूस चार्जेस. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने नोट करना है, then what is electrostatic induction? पहले तो definition लिखते हैं. तो लिखो मेरे साथ आप लोग, electrostatic induction may be defined as modification in the distribution of यहां पर जो मैं नोट्स कर रहे हो इसका लिखी डेफिनेशन आज आप पढ़ोगे जाके. मॉडिफिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज on one material under the influence of nearby object, nearby इंग्लिश तो ध्यान से पढ़ो, स्कूलिश डेफिनेशन होती है लिखनी पड़ती है हमें. लेकिन वैसे तो मैं ना हो कि जब भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट रखा है तो इसके अंदर जो चार्जेस थे उसकी मॉडिफिकेशन हो गई है, उसमें अदला बदली हो गई है. तो व्हाट इज इस पे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम एक बात आप ध्यान से देखनी है आपने, मैं स्लो चलूंगा यहाँ पे. इन दोनों के बीच में क्या ख्याल है, ये दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्शन, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, अट्रैक्शन. दूसरी तरफ ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला, ये नेगेटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज सिमिलर चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में क्या हो रही होगी, रिपल्शन. तो जो अट्रैक्शन की वजह से चार्ज नियर बाय चार्जेस हैं इन्हें हम बोल देते हैं, इन चार्जेस को
बाउंड चार्जेस. क्यों बाउंड है, किसके साथ बाउंड है, इसने इसको खींच रखा अपनी तरफ. और इस नेगेटिव चार्ज को क्या कह रहा है, खींच रहा है या धकेल रहा है, चला जा, दूर चला जा, रिपेल कर रहा है उसको. रिपेल का मतलब फिर यहां से दीज चार्जेस विल बी कॉल्ड व्हाट, फ्री चार्जेस. तो ये चीजें आपने नोट करनी है, कौन बाउंड चार्ज है और कौन फ्री चार्ज है. तो दिस इज द चार्जिंग बॉडी. अब हम जो एक पॉइंट यहां पे देखना है, इस चार्जिंग बॉडी इज टेकन अवे देन इंड्यूस चार्जेस गेट वैनिश्ड. क्या मतलब है इसका, कि होगा क्या, अब देखो ये जो यहां पे हुआ है इसके आने से टेम्परेरी चार्जेस आए हैं. अगर हम इसको दूर ले जाएंगे तो जो चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस हुए थे, इसने उसको रिपेल किया हुआ था, वो अपने वापस आ जाएंगे. उसके बाद दोबारा वही कहानी. बॉडी इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो बस इतना ही बताना मैंने. नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, इसके बेसिस पे जो नीट में, इवन बोर्ड एग्जाम में और इवन जेई मेन में क्वेश्चन आ सकता है, वो आपने ध्यान से. एग्जाम्पल ऑफ चार्जिंग अभी नहीं, कल है हमारी क्लास तो. बाय इंडक्शन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्वेश्चन. अगर हम दो मेटल बॉडीज जो आपस में टच की हुई है एंड से इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, और यहां पे टच हमने डेलिबरेटली जानबूझ के करवाया हुआ है और अभी न्यूट्रल बढ़ी है. स्टेप वन. दूसरा स्टेप हमने क्या किया, बॉडी ए बॉडी बी और ये भी चार्जिंग बॉडी के नजदीक ले आए. अब आपको ध्यान है नियरर एंड पे कौन सा चार्ज आ गया, आ जाएगा ऑपोजिट. और ये यहां हमने टच किया हुआ है तो ये सिंगल बॉडी है, तो इलेक्ट्रॉन्स भागते जाएंगे. भागेंगे क्यों, ये भी ध्यान रखना चाहिए. दीज आर मेटल, तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है, अंदर महसूस करो, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली फार्दर एंड पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव. ये चार्जेस टेम्पररी हैं, मैं अभी ड्राइंग बनाऊंगा, इसको दूर ले जाऊं चार्जेस खत्म हो जाएंगे. लेकिन हमने क्या करना है, इस बॉडी को नजदीक रखते हुए अगर मैं जबरदस्ती इन दोनों बॉडीज को सेपरेट कर दूं, सोचना है क्या हुआ. ये नेगेटिव था, ये एफ लगाइए, फोर्स मैंने बता रहा हूं, इनको सेपरेट किया हमने. तो सेपरेट करने से अभी भी इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, इससे खींच रखा अपनी तरफ. और ध्यान रखो ये नेगेटिव इसने धकेल रखा है. तो दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड कि कहां दोनों बॉडी पहले न्यूट्रल थी, ये टेम्परेरी चार्ज थी, और इनका हमने रास्ता खत्म कर दिया आपस में मिलने का, ये हमने सेपरेशन क्रिएट कर दी. तो ये स्टोरी बन गई है जो एमसीक्यूज बने हुए बच्चों वन ऑफ द. अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन बॉडीज को नजदीक रखेंगे लेकिन इस बॉडी को दूर लेके जाने वाले हैं. तो आपने आंसर देने की कोशिश करनी है अपने मन में, ये भी नजदीक है ए और बी, और जो चार्जिंग बॉडी है
this charging body that has been taken away. तो एबीसी ऑप्शन होती है कि इनके ऊपर चार्जर कैसे होंगे. ध्यान है सबको, ए पे कौन सा चार्जर ऐसे पॉजिटिव, बी पे कैसा चार्ज है नेगेटिव. तो ये इसके नजदीक क्यों है, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से. ये दूर क्यों है, इससे धकेला हुआ है. अगर ये ही चलेगी बॉडी यहां से छोड़ के इसको, व्हाट हैपेंस, दिस इज द आंसर जो आपने देखना ध्यान से. इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे नजदीक नजदीक आ जाते हैं. क्यों आएंगे, यू अंडरस्टैंड, दूर थे इसकी वजह से और वापस में अट्रैक्शन की वजह से नजदीक आ गए. हाँ, अगर हम इनको भी दूर दूर ले जाएं, इसको मैं आपसे आ गई हूं, और अगर ए और बी स्टूडेंट कोई माइक्रोफोन अगर क्वेश्चन नहीं है तो ऑफ रखो, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है. दिस इज द वन ऑफ द वे. हमने क्या अचीव किया कल, आपको ध्यान होगा अगर आप रिवाइज कर रहे हो बच्चों, कि कल की क्लास में हमने चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट भी किया था. लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन ने एक बेनिफिट क्या है, कि ये जो चार्जिंग बॉडी है, नो लॉस ऑफ चार्ज, किसका, ऑफ चार्जिंग बॉडी. क्योंकि हमने इसको टच ही नहीं किया, कल का आपको ध्यान होगा कल अगर टच करते थे तो बॉडी का चार्ज शेयर होता था. तो दैट इज एक ये एग्जांपल है. अनदर एग्जांपल वी आर गोइंग टू डू नाउ, चार्जिंग बाय इंडक्शन यूजिंग ग्राउंडिंग. और कल अगर ध्यान हो आपको, ग्राउंडिंग में क्या होता है कि अगर किसी बॉडी को ग्राउंड करें तो उसका चार्ज ग्राउंड में चला जाता है. लेकिन इस केस में फ्री चार्ज आएगा, मैं बताने जा रहा हूँ आपको. तब तक आप शांत लो, रिलैक्स हो, अपने नोट्स को देखो, मैं जब तक ये बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ. Another example of charging by induction. इसको भी हम स्टेप से लिखेंगे. एक ये मेरे पास बॉडी है, अनचार्ज बॉडी. अनचार्ज बॉडी के पास मैं चार्जिंग बॉडी लेके आया. बच्चों चार्जिंग बॉडी पॉजिटिव हो सकती है, बस जैसे कन्वीनियंस वैसे रूटीन में हमने बना दिया तो बना दिया, तो कोई ऐसी बात नहीं है. ये नेगेटिव. अब आप समझ सकते हो इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. ध्यान देना ये वाला चार्ज कैसा है बच्चों, बाउंड. और ये वाला चार्ज कैसा है, फ्री. राइट, नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको अर्थ के साथ अटैच कर देना है. ये जो सिंबल बनाने जा रहा हूं, ये आपने छोटी 10th क्लास में पढ़ा होगा, दिस इज सिंबल ऑफ ग्राउंडिंग. आप ये मान के चलो अर्थ के साथ हमने इसको अटैच कर दिया. तो क्योंकि ये बाउंड चार्ज है, तो बाउंड चार्ज इधर उधर जा ही नहीं सकता. ये बेचारा फ्री है, तो इट विल मूव टू व्हाट, ग्राउंड. फोर्थ स्टेप जो हम देख रहे हैं, फिर स्टेप्स में फिनोमेना this. और ये लो जी, तो यहां पे एक बात नोट करने वाली है कि जब भी ग्राउंडिंग करते हैं तो सारा चार्ज बॉडी का नहीं जा सकता, फिर तो अंदर से भी सारा चार्ज निकल के चला जाए. लेकिन ओनली सिर्फ कौन सा चार्ज मूव करता है, ओनली द फ्री चार्ज मूव्स टू द ग्राउंड. अभी आप यहां पे एक स्टेप देखना आपने, कि इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, लेकिन अगर मैं इसको
ये एक्स्ट्रा स्टेप है, मेन स्टेप का पार्ट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन समझने के लिए, एक एमसीक्यू बन सकता है, इसको मैं बीच में स्टार डाल देता हूं। अगर मैं इस बॉडी को दूर ले जाऊं, टेकन अवे, अगर मैं दूर ले गया तो अब मुझे बताओ ये चार्ज बाउंड था इसकी वजह से, अब ये बाउंड रहेगा या फ्री हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? फ्री। फ्री होने की वजह से दिस विल ऑल्सो मूव टू ग्राउंड। तो ये मेन चार्जिंग का हमने स्टेप नहीं करना, तो बॉडी दोबारा की दोबारा न्यूट्रल हो जाएगी, हमें तो फायदा ना हुआ। लेकिन अब हम एक ट्रिक करने जा रहे हैं, चलाकी करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं कि पहले तो ये सीखना हमने कि अगर बॉडी को नजदीक रखते हैं एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, अगर ग्राउंड करते हैं फ्री चार्ज ग्राउंड में चला गया, तो ये लोग फ्री चार्ज ग्राउंड में जा चुका है और इस पे पॉजिटिव आ चुका है। लेकिन अगर ग्राउंड कनेक्टेड है बॉडी को दूर ले गए हैं तो ये बिल्कुल ठनठन गोपाल खाली होगी बॉडी, क्योंकि ये भी फ्री हो गया था ये भी मूव कर गया यहाँ पे, यानी मैं यहाँ पे एरो बना सकता हूँ, ये भी भाग गया ग्राउंड के अंदर ही, राइट। लेकिन अब हम ट्रिक क्या करने जा रहे हैं कि जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव चार्ज है और कोई चार्ज गया किसके थ्रू? ग्राउंड के थ्रू, है ना। और अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूं ग्राउंड के कनेक्शन को, तो फिलहाल मैं यहाँ नहीं शो करने जा रहा, मैं अगले स्टेप में शो करने जा रहा हूँ। तो मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा आपको एड ऑन करना होगा। ये हमारी बात चल रही थी मेन, ये डिब्बा बीच में वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, स्टेप 1, 2, 3, 4 के बाद ही आ गया आपका फिफ्थ स्टेप, ब्रेकिंग द ग्राउंड कनेक्शन। ये लो जी, ये पॉजिटिव लगा हुआ है और ये इसकी तार जो ग्राउंड के साथ जुड़ी थी ना वो हमने जबरदस्ती तोड़ दी। तो क्यों किया ऐसा? तोड़ने से अब ये चार्ज चाहे फ्री भी हो जाए ग्राउंड में नहीं जा सकता ये। तो ये लो फिर हम लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं। दिस बॉडी मैं शो जरूर कर रहा हूं, देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं बोर्ड पे, आ रहा है दिस इज टेकन अवे। टेकन अवे होने से फ्री हो गया है। कल का ध्यान होगा आपको कि चार्ज अगर किसी मेटल को दें तो पूरे सरफेस पे बिखर जाता है। अभी क्यों नहीं बिखर रहा था बेचारा? अभी इसके साथ बाउंड था। तो जैसे ही चार्जिंग बॉडी टेकन अवे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, मैं बोलूंगा सिर्फ लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है? थोड़ा सा टाइम बचाते हैं दोनों तरफ, धीरे धीरे स्पेस पढ़ाते हैं काम की। व्हाट इज द पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि इंडक्शन से एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चार्जिंग बॉडी का चार्ज लूज नहीं होता, चिंता ही नहीं किया उसको। और इंडक्शन के जरिए जो चार्जिंग बॉडी का चार्ज होता है दूसरी बॉडी पे ऑपोजिट चार्ज आते हैं। क्या मतलब है? अगर फिर मेरा मन किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देने का है तो मैं नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी लेके आऊंगा। और उल्टा सोचो, अपने आप बोलो, अगर मेरा मन इसको नेगेटिव चार्ज देने का होता तो कौन सी बॉडी लेके आता? पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी। तो ये नोट्स मैंने जो आपको दिए हुए हैं उसमें जरूर, लेकिन मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इंडक्शन। इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन्स नॉर लूजेस चार्ज। तो मैं ये मान रहा हूँ कि वो नोट्स आपके पास हैं, अभी सामने नहीं भी है, फिर जाके आप तो देखोगे, नो डाउट आप घर पे ही हो तो आदत पड़ी होती है। नेचर ऑफ इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। तो अगेन बस तो ये दो पॉइंट है, तो आप इसको देखोगे तो वी मूव हेड किसके आगे हमने क्या करना है। We are ready to talk about actually Coulomb's law. इसको मैंने competition पढ़ा हुआ है, extra points दिए हुए हैं, मैं discuss नहीं करूँगा अभी। Excuse me sir. Sir, so what do we mean when we know frictional forces are of electrical origin? हाँ बेटा, बिल्कुल। Actually ये ना अभी हम बात नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा, तो ये मैं plus one में करवा देता हूँ आपको मैं, लेकिन ऐसा करते हैं क्योंकि नहीं बताना भी इतना बढ़िया मजेदार नहीं है। Actually जितनी भी contact forces है ना, ये आपने अभी पढ़ा है या प्लस वन में पढ़ा था? प्लस टू बुक में पढ़ा था। कौन सी बुक में? एसएल अरोड़ा। एसएल अरोड़ा बड़ी अच्छी बुक है, मेरी फेवरेट बुक है वो। तो एक्चुअली जितने भी कांटेक्ट फोर्सेस है ना प्लस वन में हमने पढ़ी होती है, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, तो इसे आप होल्ड मार लो,
ये क्लास के खत्म होने पे मे भी आज में भी कल हम इस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अगर मैं अभी लगा तो वो मतलब इट विल स्टॉप द पेस ऑफ लेक्चर, फेयर इनफ सर? ओके राइट, मुझे जरूर याद दिला देना तुम, ताकि वरना हमारा लेक्चर अभी साइड पे चला जाएगा अगले 15 मिनट के लिए। एक्चुअली मैं आपको बता, जब तक मैं ये कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आपको पूरी समझ ना भी आए कि अगर प्लस वन नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा होगा आपने, टेंशन इन द स्ट्रिंग पढ़ा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, तीनों ही इलेक्ट्रिकल ओरिजिन की है, थोड़ा भी हमारा ब्रॉड स्कोप हो जाए। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, is an instrument used to detect the presence of charge and nature of charge on a body। इसकी भी डिटेल पूरी मैंने दी हुई है उसमें, लेकिन मैं आपको जितना जरूरी है वो पूरा आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो व्हाट इज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? एक कंटेनर, ग्लास कंटेनर के अंदर ये फ्लेक्सिबल, तो देखा ये गोल्ड लीफ है, बड़ा पत्ते से, ये पत्ते की तरह ऐसे कर सकते हैं तो, जो मैंने यहां बनाया है, मे और मे नॉट बी, टेंथ में आपने थोड़ा सा इसके बारे में सुना हो, नहीं सुना हो तो भी कोई बात नहीं है। तो दीज आर गोल्ड लीफ, और मैं जिसको अवॉइड करना चाह रहा हूँ वो ये है, ये वाली डायग्राम, ग्लास के कंटेनर में इसको रखा हुआ, राइट? यू डोंट वांट टू पुट मच एफर्ट हियर, जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये है, एक तो ये मेटल डिस्क है, और ये हमारे पास ये मेटल की ही रॉड है, एंड दीज आर कोलैप्सिबल फ्लेक्सिबल गोल्ड लीव्स, आई राइट हियर फ्लेक्सिबल एज वेल, और ये ग्लास कंटेनर है। ऑब्वियसली इसके बाहर की हवा इधर उधर से बचाने के लिए इसको रखा हुआ है, तो हमारा मेन टारगेट हाउ, अब बच्चों इट इज वेरी सिंपल, मैं इसको जो देने बताने लगा आपको कि दिस इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, और मान लीजिए बॉडी है, और इस पे कोई चार्ज है या नहीं है मुझे नहीं पता, तो और मैंने इसको टच किया, राइट? तो एग्जाम्पल ये करते हैं कि अगर तो न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल है टच कर दिया तो टच कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ होने का मतलब ही नहीं पता होता, तो इसलिए आप नोट ना करो, सिर्फ समझो इसको, कोई इसमें खास बड़ी बातें नहीं है। अगर मैं एग्जाम्पल लू, मान लो इस पे कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और मैंने इसको टच कर दिया, यानी कि कॉन्टैक्ट, ध्यान दो, कॉन्टैक्ट करने का मतलब इसका चार्ज इधर फ्लो करेगा, फ्लो करेगा, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, ये लो जी सारी मेटल एक ही है ना, तो लीव्स के ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। अब दोनों लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल, और मेरे देखते ही देखते ये दूर दूर चले जाएंगे, तो क्योंकि मैं देख रहा हूं उसकी तरफ, इसका मतलब लीफ अगर एक्सपैंड हो, मुझे कंफर्म हो जाएगा कि इस बॉडी पे कोई ना कोई चार्ज था, लेकिन केयरफुल, मुझे ये पता नहीं चलेगा कि उस पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव। क्यों? ये देखो, अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज की बॉडी में लेके आता
और माइंड इट अभी मैं टच कर रहा हूँ राइट कॉन्टैक्ट. तो मैं आप सबको पढ़े लिखे बच्चे मान रहा हूँ. पढ़े लिखे बच्चे कौन होते हैं जो पुराना पढ़ के आते हैं, उनको टच कर दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज फैलना शुरू हो जाएगा. ये लो जी अब इसके बीच पे पॉजिटिव आ गया. अब पहले नेगेटिव नेगेटिव था तो भी रिपेल किया, पॉजिटिव पॉजिटिव था तो भी इन्होंने क्या कर दिया रिपेल. तो हाँ इतना पता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अच्छा बनाओ किसी बॉडी को टच करो अगर वो एक्सपेंड हो जाए तो देयर इज अ चार्ज ऑन द बॉडी. लेकिन आई कांट टेल व्हाट इज अ चार्ज. तो लेकिन कैसे पता करेंगे वो हमें थोड़ी सी जीके हमारी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, वो भी बात करने जा रहा हूँ आपको. दो स्टेप्स और बाकी हैं, दो बातें और करनी है आपसे राइट. बाकी वहां पे आप थ्योरी को पढ़ोगे किस तरह से. तो ये आप कह सकते हो जब हमने कॉन्टेक्ट से किया है, हम कॉन्टेक्ट ना भी करते तो भी क्या लीव एक्सपेंड होते हैं? बिल्कुल होते, क्यों ना होते. मान लो ये नेगेटिव चार्ज की बॉडी में नजदीक रहेगा. अब मैं ध्यान देना सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये मेटल डिस्क है, ये भी मेटल रॉड है और ये खुद भी मेटल है, गोल्ड मेटल का ही होता है आपको पता ही है ना. तो मैंने अब टच नहीं किया, दूर रखा है इसको. तो दूर रखने से क्या होगा, नियरर एंड भी क्या होता है ध्यान रखो. पढ़ो लैपटॉप, दिस नियरर एंड विल रिक्वायर हाउ मच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. एंड फार्दर एंड विल रिक्वायर विल चार्ज, नेगेटिव चार्ज. और ये इस बार भी क्या होंगे एक्सपेंड. कहानी वही की वही है कि मुझे ये नहीं पता इस पे, क्योंकि मैं अगर मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, नेगेटिव लाया हूं तो ये कहानी से एक्सपेंड हो जाएगा. तो ड्रॉ कर ही देता हूं, कई बच्चे नन्हे मुन्ने होते हैं उन्हें फायदा हो जाएगा. एक्सप्लेन कर मैं सिर्फ ड्रॉइंग से कर देता हूँ. ये लो जी ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इंडक्शन. तो मैं यहाँ पे कुछ बच्चों की हेल्प और कर देता हूँ. ये लिखे अपने नोट्स में वो लिख लें कि बाय इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है और पॉजिटिव नियर एंड पे नेगेटिव और फर्दर एंड पे कैसा आ गया कुछ पॉजिटिव. और ये भी फिर क्या कर जाएंगे एक्सपैंड. अब एक एग्जांपल दूंगा सिर्फ मैं और उसमें दिमाग लगेगा, थोड़ी जान लगेगी आपकी भी मेरी. तो बल्कि क्योंकि मैं आप सबकी आवाजें सुन नहीं सकता, सुनने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन जितनी भी है हमारी, तो आप मैं हर चीज को बड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगा. रेलिवेंट जितने भी डाउट्स आपके हो जाएंगे दूसरे नहीं होंगे अभी हमें इतना समय मिलेगा. तो फिर एक एग्जाम्पल करते हैं. टू डिटेक्ट लिखो मेरे साथ द नेचर ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी. इसके लिए हमने पता ही करना है ये बॉडी है. कुछ नहीं पता मुझे इस पर कितना चार्ज है, चार्ज है ये पता मुझे, मैं लेके आया था वो फैल गए थे तो चार्ज आएगी. अब ना हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रोस्कोप लिया और इसको अब थोड़ी सी जीके यहां पे क्या आ गई कि एक ग्लास रॉड, जिन्होंने नोट्स पढ़े होंगे उन्हें ध्यान होगा, ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क. कितनों का ध्यान है फिर अपने चैट में लिख सकते हैं कि अगर ग्लास रॉड को सिल्क से रब करें तो कौन सा चार्ज आता है उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो तब बनाया था. हमने बताया किया ग्लास रॉड डी, ये हमारी नॉलेज है, हमारे पास ग्लास रॉड है, गुड. इस बच्चे ने आंसर दिया वेरी गुड. तो पॉजिटिव चार्ज और मैंने इसको टच करवा दिया. अभी इस बॉडी को ना ये इसको नहीं छेड़ा हमने, ये अपने यहाँ बैठी आराम कर रही है उधर है, इसको टच करवाया. तो टच करवाने से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ भी कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव. अब ग्लास रॉड को कह दिया नमस्ते चलते चार्ज में, तो ग्लास रॉड की साइड पे ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप ऐसे हो चुका है. इसके ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव. अब हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज है. अब मैं इसके आगे जो ना
आप अपना मोड, ब्रेन का मोड चेंज करना कि आप सुनने रहे बल्कि आंसर दे रहे हो। टेस्ट आपका सबका, ठीक है? टेस्ट थोड़ा नेगेटिव वर्ड होता है, टेस्ट से टेंशन हो जाती है, बट गलत होना भी बात नहीं है, हिम्मत करना, कोशिश करना, दैट इज मस्ट। तो अब हम यहाँ पे मैं क्वेश्चन का रूप देने लगा हूँ। इंग्लिश में क्या लगा, मान लो आई आई टी में जेई में क्वेश्चन आ जाएगा, नीट में, इलेक्ट्रोस्कोप हैज बीन टच्ड विद द ग्लास रॉड ऑफ द सेल, राइट? तो उस पे इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब यहाँ लिखना व्हेन बॉडी विद अननोन चार्ज is brought near the electroscope, its leaves get diverged further. So what is nature of charge? Nature of unknown charge. तो चैट में उस पर आंसर लिखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। लो प्रज्वल ने आंसर दिया पॉजिटिव, पीएस यानी मेरे नाम तो चलो तरह तरह के पॉजिटिव, गुड, आई एम वेरी हैप्पी। और टीम का गलत है, ठीक है, डज नॉट मैटर मुझे, तो क्या हुआ होगा हमें बताएंगे यार कि अगर इसके ऑलरेडी पॉजिटिव है, मुझे पता था और ये दूर दूर है। सर प्लीज स्पीक क्वेश्चन वंस अगेन, लिखा हुआ है सामने क्वेश्चन। सर इट्स नॉट क्लियर, प्लीज स्पीक। ये आपको अच्छा बच्चों किसी और को ये मैं ठीक है बेटा मैं क्लियर कर लूं क्वेश्चन में, किसी और को प्रॉब्लम आ रही रीड करने में, मैं ताकि फीडबैक पूरी कर लूं, ताकि मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा। एनी स्टूडेंट हैविंग प्रॉब्लम रीडिंग? नो सर, इट्स लेजिबल, रेडिबल, यस बेटा। आप अपना चेक करो वीडियो या रीजॉइन करो बेटा, वहां पे ना फिर वो बार बार प्रॉब्लम आती होगी, या रीजॉइन करो आप। तो अगर इट्स ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये रिपेल हो गया तो इसका मतलब हुआ क्या होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसने इसको फर्दर पुश कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर यहां गए और यहां पॉजिटिव चार्ज और बढ़े जिनकी वजह से ये रिपेल हो गया। तो मैं इस पर बहुत ज्यादा जोर ना डालता हुआ बिकॉज हमने घर जाके भी पढ़ना है, कोशिश भी करनी है। तो दिस वॉज द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो माइंड इट, जो आपको नोट्स मिले हुए आज का, जो अभी तक आपको नोट्स मिले ना बच्चों, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, उसमें सारी एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हो। तो उसमें कुछ क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे आपके डाउट भी लूंगा, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें जो दो चार क्वेश्चन डाउट के होने चाहिए आपको होने चाहिए। लेकिन यस The next thing, जो बोर्ड एग्जाम के एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन आपको फ्रेम कर रहा हूं कि क्या अट्रैक्शन किन बॉडीज में होती है, ध्यान आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में। पहले क्वेश्चन फ्रेम ये कर रहा हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक चार्ज बॉडी हो और एक अनचार्ज बॉडी हो और उन दोनों में अट्रैक्शन हो जाए? एंड अगेन, एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, Is it possible कि दोनों में अट्रैक्शन हो जाए? Yes. तो ये हमारा पॉइंट है डिस्कशन। Yes. तो छोटा सा टॉपिक हमारा बच्चों, अट्रैक्शन बिटवीन अ चार्ज बॉडी एंड अ न्यूट्रल बॉडी। Due to induction. देखिए जी, ये हमारे पास, मैं जानबूझ के थोड़ा सा लंबी सी बॉडी बना रहा हूं, ये
अभी हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है. इस न्यूट्रल बॉडी इसका नाम हमने ए रखा हुआ है. इसके नजदीक हम एक चार्ज बॉडी लेके आए. अब इसके क्या होगा, इंडक्शन की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव. तो माइंड इट, इन दोनों के बीच में मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, शायद कुछ प्रॉब्लम ना आए. इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, अट्रैक्शन. और मान लो ये बॉडी को हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है, ऐसे पकड़ के रखा होगा ना बॉडी को से. तो और इन दोनों के बीच में ये नेरर चार्ज के साथ अट्रैक्शन हो रही है और इस भाई साहब की इसके साथ क्या चल रही है, रिपल्शन. लेकिन मुझे सोच के बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये नेरर हैं, दोनों नजदीक है चार्जेस, तो अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर. और ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज थोड़े दूर है, तो रिपल्शन इज कंपैरेटिवली व्हाट, वीकर. तो नजदीक होने से अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, रिपल्शन कम हो रही है. तो दिस बॉडी विल एक्सपीरियंस अ विच काइंड ऑफ फोर्स, नेट अट्रैक्टिव फोर्स. तो यहां पे हमारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बनने जा रहा है. तो क्या रिपल्शन हो सकती है एक चार्ज और अनचार्ज बॉडी में? नहीं हो सकती. सामने ही आपके यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है. रिपल्शन होने के लिए हमें दो बॉडीज चाहिए जिनमें अपोजिट चार्ज होना जरूरी है या सिमिलर चार्ज. सिमिलर चार्ज रिपल्शन तभी होगी. मैं आपको, और ये बड़े टिपिकल क्वेश्चन है मुझे असाइनमेंट में, मतलब ऐसे डाउट मत ले आना, पूरी जान लगाना, पहले दिमाग लगाना बैठ के पूरा उस पर. अगर कोई बॉडी कह रहे कि कोई हमें बता दे इंसान, मोस्ट जनरली कुछ एक एडवांस क्वेश्चन भी है वो अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे. कोई कह रहे ये बॉडी ए है और ये बॉडी यहाँ से रिपेल होगी जी, राइट, मुझे कंफर्म है ये रिपेल हुई है ना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा ही होगा, यहाँ से कंफर्म. तो यहाँ से हम एक लाइन लिखने जा रहे हैं फिर, जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आंसर है. अट्रैक्शन किनके बीच में सकती है? अट्रैक्शन कैन अकर बिटवीन टू अपोजिट चार्ज बॉडीज और ए वन चार्ज एंड वन न्यूट्रल बॉडी, बट रिपल्शन कैन अकर ओनली बिटवीन टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, सारे आप मेरे पीछे पीछे मैं से मिटा. क्वेश्चन शायद मैंने इसमें लिखा भी हो, अगर छूटा हुआ फिर मैं इंप्रूव करूंगा. दैट इज, एक मिनट बोल लिया. यस, लेट मी चेक. चलो, तो मैं ढूंढने की बजाय मैं आपको लिखवाई देता हूं. ये एक नंबर, दो नंबर, खैर आपको एक नंबर में ऑब्जेक्टिव बना दिया उन्होंने. रिपल्शन इज श्योर टेस्ट, लिखो इसको मेरे साथ, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज. Presence of charge on a body. या इसको इसकी जगह पे जो टेक्निकल वर्ड लिखा होता है एनसीईआरटी एनसीईआर में, दैट इज रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. ऑफ ए बॉडी. एक्सप्लेन. मैं आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे, ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर है. एक्सक्यूज मी मिस्टर शाही, मेरा वीडियो तो नहीं गया ना लाइट, एम आई विजिबल सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक. मुझे लग रहा है यहाँ ना लाइट फिर चली गई, तो इन्वर्टर भी शायद. ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, इट्स गुड, कोई बात, डेटा ना टूट जाए, अभी वाईफाई पे लगा हुआ ना. अच्छा, नहीं वैसे विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी इज गुड.
Attraction can occur between two oppositely charged bodies or between a charged body and a neutral body. Whereas repulsion can occur between two similarly charged bodies only. यहाँ पे भी एक additional point आप सबको बताने जा रहा हूँ मैं. खत्म हो गया हमारा question. Sir, am I audible? Am I connected? Sir? मुझे लग रहा है कि हाली ठीक है. Okay, okay, right. थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिस्टर्बेंस आई थी ना तो मैं कंफर्म कर रहा था. ठीक है बिल्कुल ओके. राइट. तो नेक्स्ट ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, देखना है कि इंडक्शन जो है ना, लिख लो फिर समझाता हूं. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डज नॉट अकर इन पार्टिकल्स. Particle is by definition, you can say, point mass. Particles में यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ, point mass. क्या मतलब है कि बच्चों induction में क्या होना था, ये charging body है, ये negative charge लाए हम यहाँ पे, और ये positive और ये negative. हम इसे कह सकते हैं ये extended body है. अब English जो फैली हुई बॉडी है तो उसमें चार सेपरेशन होगी, थोड़ा इधर चला गया थोड़ा उधर चला गया. लेकिन अगर कोई होगा ही पार्टिकल, मैं यहाँ थोड़ा बड़ा बनाता हूँ लेकिन कोई डॉट पर नजर नहीं आएगा आपको, आप इसे जीरो साइज मानो, बिल्कुल डॉट है राइट, इसका अपना कोई साइज ही नहीं है. तो मैं इसके साथ बॉडी यहाँ रखूंगा भी, व्हाट विल हैपन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस. ये तो मैंने फिर भी बड़ा बनाया, देयर इज नो क्वेश्चन, ऑलमोस्ट वहीं पे सब क्वेश्चन. तो इसका मतलब ये भी आपने एक कंपटीशन अगर क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो इंडक्शन होनी है वो सिर्फ एक्सटेंडेड बॉडी में सकती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डज नॉट अकर इन पार्टिकल्स बट इसे बात करने यस इट अकर्स ओनली इन एक्सटेंडेड बॉडी. आज के लिए बच्चों इतना ही है. अब कोई डाउट पूछ सकते हैं आप लोग मेरे से, कोई अगर रेलेवेंट, कोशिश करो कि जो चैप्टर से रेलेवेंट डाउट्स है ना वो पूछो. तो सर व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन? बेटा वही इंग्लिश मैंने जो ब्रैकेट में लिखा था कुछ लिखा था उससे पहले मैंने, चार्जिंग ऑफ बॉडी. किसी बॉडी पे चार्ज आने को बोल देते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन. इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो चार्ज आने को इलेक्ट्रिफिकेशन बोल दिया. ठीक है, घर जाके थोड़ा सा जरूर उसको डिक्शनरी में भी देखो आगे, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि चार्ज. सर वेट, वी आर नोटिंग. So we are noting. Please wait. और बच्चों डाउट किसी हुई? Sir. Yes. Sir, in that question, sir, that what is the nature of unknown charge? कौन से क्वेश्चन में? Sir, previous question. हाँ जी हाँ जी. सर उसमें हमने सर नेगेटिव नेगेटिव बॉडी को क्यों नहीं लिया सर? बिकॉज़ पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल नहीं ले सकते हैं, वो क्वेश्चन था बेटा. वो
क्वेश्चन एग्जामिनर देगा ना, तो क्वेश्चन अगर नेगेटिव होता तो आंसर कुछ और आ जाता, तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, हमने नहीं लिया वो, क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है, मेरी बात समझे आप, तो अगर वो नेगेटिव लेते तो वो रिपेल ना करता, वो अट्रैक्ट कर जाता, तो आंसर कुछ और हो जाता। इट वॉज नॉट कि हमने इसको बनाया क्वेश्चन को, इस वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ बुक जो मैंने आपके सामने रखा था। देयर इज अ बॉडी, उसपे जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसको हमने पहले से पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, और कोई और बॉडी को लेके आने से बहुत पहले, अगर उल्टा क्वेश्चन होता कि और नजदीक आ गए तुम कहते उससे नहीं, तो इसलिए वो हमने नहीं लिया, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है सर? हाँ जी सर, एग्जांपल ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन के जो आपने हमने पहले एग्जांपल की थी, उसमें जो ए एंड बी दोनों कनेक्टेड थे, और जब चार्ज बॉडी को हमने सेपरेट किया था तो ए एंड बी को भी थोड़ा सा सेपरेट शो किया था बाद में, तो जब वो सेपरेट होगी तो ए की एक तरफ पॉजिटिव होगी तो दूसरी तरफ नेगेटिव नहीं आएगी? ये बेटा आप इसको रिवाइज करना, फिर नेक्स्ट बार डाउट पूछना मेरे से, ठीक है? अभी घर जाके देखो कि वो न्यूट्रल बॉडी कैसे थी, एक बार देखो उसको, तो डाउट वो एक बार घर जाके देखना जरूर, फिर कल की क्लास में मुझसे पूछो, ठीक है? ओके सर। हाँ, उसको रिवाइज करो, अच्छी तरह देखो ध्यान से। और कुछ सर? जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इग्नोर्ड इन मैक्रोस्कोपिक लेवल था जी, जी सर, वो एक्सप्लेन कर दो। उसमें ये है ना, बिल्कुल ठीक है, आपने नोट्स पढ़े है ना सर? यस। गुड गुड। उसमें ऐसे ना एक एग्जांपल और भी आपने करी होगी कि यहाँ पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन कैन बी इग्नोर्ड, देखिए बच्चों कि यहां पे अगर मैं बात करूं एक 1 कूलम चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, ये एग्जांपल आपको आपने की होगी, नहीं करी तो मैं ध्यान कर रहा हूं, Q इज इक्वल टू एन ई हमने फॉर्मूला किया हुआ है, और N इज इक्वल टू Q पावर E, और कितना चार्ज बोला हमने 1 कूलम, और अगर यहां 1 कूलम लिखते हैं और यहां 1.6 × 10⁻¹⁹ और इसको ऊपर ले जाएं अगर हम 10⁻¹⁹ ये आ जाता है आपका 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। बड़ा ध्यान से आप ये 10⁻¹⁸ जो नंबर है बच्चों, जो n आया, मुझे आपने बताना है कि ये छोटा नंबर है या बहुत बड़ा नंबर है? यस, इट इज ए बिग नंबर, राइट? तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इतने और ये नंबर से कितना चार्ज बन रहा है? कितना चार्ज बन रहा है? 1 कूलम। तो अब आप ये बताओ कि 1 कूलम चार्ज में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मैं उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, मान लो ये 1 कूलम चार्ज है इस बॉडी के ऊपर, राइट? और मैंने बोला इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो वो चार्ज में कोई ज्यादा कमी महसूस होगी हमें? इसको समझना है अपने, देखो यस और नो नहीं करना, समझना है कि एक इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास सिर्फ इतना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ में, और ये अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन में से एक दो इलेक्ट्रॉन आगे पीछे करेंगे हमें पता ही नहीं चलना। व्हाट इज हैपनिंग, जो डिस्क्रीटनेस है ना, जैसे पानी है, देखो ये लो गिलास में पानी पड़ा हुआ है, ये पानी वाटर है, तो ये वाटर के बारे में बताना मुझे आपने, ये वाटर एक कंटिन्यूअस थिंग है या डिस्क्रीट थिंग है? आप आंसर वेटिंग करूंगा मैं। देखो अगर हम गिलास में से पानी गिराते हैं तो हमें पता है केमिस्ट्री की वजह से पता है कि यार ये जो वाटर है ना ये किसका बना हुआ है, इसका बना हुआ है मॉलिक्यूल का, लेकिन ये मॉलिक्यूल एक और नहीं है, हमें पता है गिलास ऑफ वाटर में कितने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर हम 100 ग्राम पानी लेते हैं एक गिलास में से दूसरे गिलास में डालते हैं तो हमें उसकी ना डिस्क्रीटनेस दिखाई नहीं देती, हम मॉलिक्यूल नहीं गिन रहे होते, कभी ऐसा नहीं करते कि वो पानी डालना है उसमें गिलास में तो 50 मॉलिक्यूल पानी डालना है, 1 लीटर 2 लीटर ये। तो जब हम अगर हम लेकिन केमिस्ट्री के उसके रिएक्शन में जाते हैं H2O,
दो हाइड्रोजन के चाहिए मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का चाहिए एटम, फिर H2O बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो छोटे लेवल पे डिस्क्रीटनेस होती है, जो डिस्क्रीटनेस वर्ड बोल रहा हूँ दिस अबाउट क्वांटाइजेशन। तो कहता है फिर चार्ज जब बड़े बड़े चार्ज दे रहे हैं हमें 10 कूलम्ब या कोई और चार्ज, तब हमें क्वांटाइजेशन को ध्यान में देने की जरूरत नहीं है। तो चलो जी यहाँ से 1 मिली कूलम्ब चार्ज निकाल दिया बाहर, तब हमें ये नहीं देखना कि 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहे हैं। तब थ्योरी दोबारा पढ़ना बेटा, आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है, एनी अदर स्टूडेंट हैविंग डाउट? सर जी बच्चा, सर कंडक्शन में जब बॉडी चार्ज कर रहे होते तो कंप्लीट बॉडी पे सेम चार्ज है, लेकिन इंडक्शन में एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। बकवास ही कर रहा है तो देखो बेटा क्यों है, वो टच नहीं किया ना बॉडी को। तो जो आज के डाउट्स हैं उनको देखो जाके एक बार, ठीक है? तो रीजन को सेम बार रिपीट करने बड़ी फायदा नहीं, आपको भी नुकसान है मुझे भी नुकसान है, ऐसे था ये। इसको देखो आप, ये यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज है, तो हुआ क्या था, हमने यहाँ रखी बॉडी, यहाँ रखी तो ये रिपेल हो गए, इधर चले गए, ये इधर, तो यहाँ पॉजिटिव रह गया, ये बात चल रही है। तो जो आज की आज हमने पढ़ा ना, उसको आराम से देखो जाके, आराम से फिर होगा बेटा। जो किसी आ रहा है कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है, ध्यान से देखे, पॉइंट चार्ज की, पॉइंट मास की बात हो रही है बेटा, कि पॉइंट मास का इंडक्शन का मतलब ही नहीं है। एनी अदर स्टूडेंट हैविंग डाउट? ठीक है सर, आई थिंक बच्चों के डाउट हो गए, कम्प्लीटली पढ़ के आएंगे जी जी। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इनके जो जो आज थ्योरी पढ़ी है ना बच्चों, उसको ध्यान से देखो, बिल्कुल मार्क करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। जैसे आज बच्चे ने पूछा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज क्वांटाइजेशन को हम इग्नोर कर सकते हैं माइक्रोस्कोपी लेवल पे, तो मैंने बात नहीं करी थी लेकिन उसमें नोट्स पे लिखा हुआ, तो वो उससे समझाने में आसानी होती है, काफी टिपिकल बातें हैं। सर वी कैन एंड द मीटिंग नाउ बच्चों से पूछ के। जी जी राइट जी राइट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, आई विल शेयर द नेक्स्ट लेक्चर, सबसे शेयर करूंगा एक दिन में। थैंक यू सर।